बैतूल जिले के चिचोली तहसील प्रशासन द्वारा तीन लाइन बनाए जाने को लेकर राजनीतिक कारणों से नगर के जय स्तंभ चौक पर अतिक्रमण को लेकर नगर के बैतूल NH-59 पर प्रशासन द्वारा 9, 10, 11, 12 मार्च को अतिक्रमण मुहिम चलाई, जिसमें पूर्ण अतिक्रमण हटाया गया था। दुकानदारों ने तहसीलदार से मिलकर निवेदन किया, हमारी रोजी रोटी छीन कर हमें गुंडी जैसी छोटी दुकान लगाने की अनुमति दें ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा ने सभी दुकानदारों को आश्वासन देकर दुकान की अनुमति दे दी। तहसीलदार ने कहा NH-50 वालों का कार्य चालू होने पर दुकान हटा देना, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जनता न्यूज लाइव चिचोली संवाददाता सुरेंद्र बाबली की रिपोर्ट। मैडम, मैंने अभी दो सीलिंग लगवाए थे पब्लिक को बैठने के लिए, अभी बुलाया मैंने कि टेंट वाले ने दो सीलिंग लगा दो पब्लिक को बैठने के लिए। मैंने अपनी दुकान के सामने दो सीलिंग लगवा दो, चौटा में निकलते हो ना। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी दुकानें जो थी आपकी इतना अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, यहीं पर खड़े हैं, चलो हम आ रहे हैं। अपना काम चलाइए, है ना, आपका काम नहीं रुके, बस मैं ये चाह रही हूँ। मैं बोल के रही हूँ आपको, आपका काम नहीं होना चाहिए, पर ये पक्की दुकान है और इतना अतिक्रमण जो बढ़ के लगा हुआ था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो मैं फिर से हटाने की। नहीं मैडम, ऐसा आपको दोबारा नहीं करना, मौका नहीं देंगे। मैं बता दे रही हूँ, चुनाव का समय है, मैं भी ज्यादा आप लोगों में उलझी नहीं रह सकती, मेरे पास बहुत सारे काम है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप इतना बढ़ के नहीं लगेंगे, थोड़ा बहुत आपके काम से लगा लो, ये पीछे सब वैसा है, पीछे हटके लगाना। और हमने अपनी गाड़ी को, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तहसीलदार मैडम से। मैडम से बोला हमने, मैडम हम तो बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, अब हम क्या करेंगे? तो मैडम ने बोला कि आपका व्यवसाय चलाने के लिए आप छोटी सी गुमटी लगा के थोड़ी देर बैठ सकते हो, 2 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक बैठ सकते हो और अपना व्यवसाय चला सकते हो। और मेरे अभी आप लोग तहसीलदार के पास गए थे, आपकी अतिक्रमण में दुकान चली गई है, तो क्या बोला मैडम ने तहसीलदार मैडम ने? मैडम ने बोला आप यहाँ पे गुमटी टाइप से लगा सकते हो, अपना व्यापार सुचारू रूप से चालू कर सकते हो। सुचारू रूप से नहीं, आप बेरोजगार जैसे हो चुके हैं तो लगा लो, इजाज़त दे दी, मतलब इजाज़त दी है मैडम ने। हाँ, और क्या और जब भी और क्या कहा उनने? रोड का काम रहेगा तो उठाने का भी बोला, रोड का काम जब चालू होगा तो दुकान उठाने के लिए भी कहा, जरूरत होगी दुकान की जब उठाना पड़ेगा आपको। अभी बैठ सकते हो बेघर वाले।